सबसे पहले इस कार्यक्रम में तत्व पूजन के लिए शुद्धि और पवित्रता की आवश्यकता होती है। तो माता पिता हाथ में जल कलश ले ले और पूजा सामग्री पर शिरंजीव वेदिका पर जल की वर्षा करेंगे, पंचभूत संस्कार का शुद्धिकरण कर देंगे। ओम गोयेन उपलिप्तम उपलिप्याय उपलिप्याय। अब सिर से पैरों तक जो जल सिंचन किया पूज्य गौ माताओं के पंचगव्य का भाव लेकर के, जो हर नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। अब मंगल धरती पूजन। ओम पृथ्वीं त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। जिनका जन्मदिन होता है उनको बड़ों के हाथ से तिलक लगता है, तो परम सद्या मीरा जी और शांति कुंज के हमारे सद्य पटेल साहब, आप दोनों भाई बहन मिलकर के कन्या का उनके माता पिता का बहुमान तिलक करेंगे। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामर्ते नित्यम लक्ष्यमिस्तिष्ठति सर्वदा। परम सद्य मीरा जी आपको राखी बांधेगी, कलाई बांधेंगे, इनको नारा बंधा है वो जल से शुद्ध कर ले। ओम मृत्पते नमः व्रतम चरिष्यामि। अब हमारे दीपक जल रहा है, उस ज्योति का पूजन चरणु वेदिका। अपने 9 वर्ष पूरे हो गए, 10वीं जीवन की आपकी यात्रा आज के सूर्य अस्त पर जिसका आप पूजन कर रहे हैं, ये 9वां वर्ष है। वो कल का सूर्य उदय आप देखेंगे, 10वीं वर्ष का शुभारंभ। तो दीप दान का पूजन करें। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। अब चिरंजीव वेदिका के हाथ में मंगल कलश दे, 9वें वर्षगांठ पर पंच तत्व कलश का पूजन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा शास्ते यज्ञमानो अभिवी अहेडमानो वरुणेय बौद्ध ऋषभं शमान आयु प्रमोसि। ओम पंच तत्वाय नमः। आवयामि स्थापयामि पूजयामि। चिरंजीव वेदिका पंच तत्व कलश को अपने माथे पे लगाए और यज्ञ वेदी पे उन्हें स्थान दे और प्रार्थना करें गुरुजी माता जी का ध्यान करें। हाथ में चावल पुष्प जल दे दे गुरुदेव माता जी से भाव भरे जन्मदिन का, महाकाल के भगवान की सत्ता से आशीर्वाद मांगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीपक के पास में प्राण और प्रकाश शरीर से भगवान को समर्पित कर दे। अग्नि स्थापनम् अग्नि देवता का आह्वान करें यज्ञ वेदी पर। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में महाकाल महामृत्युंजय भगवान की परम सत्ता का ध्यान करते हुए जो विद्या आयु जीवन के अग्नि प्रतिभा का निर्माण करें। ओम अग्नि देवता वातुर देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसव देवता रुद्रा देवता अदिताय देवता मरुत देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतन्द्र देवता वरुण देवता। अग्नये नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः। ॐ नमो भगवते सवितुर्वरेण्यं भर्गो
एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोलकर आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकवीरवंदनं नृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा वेदिका को हाथ जोड़ करके खड़ा कर दे, हाथ में पुष्प दे दे। हे आदरणीय यज्ञ प्रभु, आपने अग्नि रूप में ब्रह्मा की शक्तियों से मेरा निर्माण किया, विष्णु की शक्तियों से मेरा पालन पोषण किया और रुद्र की शक्तियों से मुझे कल्याण मार्ग दिया। आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यं दत्त्वा बृजत ब्रह्म लोकम्। तीनों महिलाओं पे पुष्प समर्पित करके गौ पूजन आप तीनों एक साथ करें। उधर पश्चिम दिशा की लाल गाय का पूजन करें। कामधेनु विद्महे समुद्र मंथने प्रगटे धीमहि तन्ना सुरभि प्रचोदयात्। अब हाथ में गुड़ दे दे वेदिका के। अब हाथ में कलश दे रहे हमारे अग्रज बड़े भाई सत्य पटेल साहब और पुष्प वर्षा करेंगे और वेदिका हाथ में कलश ले रहे। ओम पुष्कर ध्यानी तीर्थानी गंगा जा सरितश्चिता आगच्छन्तु पवित्राणी पूजा काले सदा मम। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते ब्रह्मवावितं मम। अब दिव्य अनुशासन का आप संकल्प लेंगे। हाथ में चावल पुष्प जल दे दे और दिव्य अनुशासन के संकल्प में कृतज्ञता बोलेंगे। दिव्य अनुशासन में अपने माता पिता के प्रति, पंच भौतिक प्रकृति के प्रति, अपने स्कूल के आचार्यों के प्रति, अपने इष्ट मित्र, अपने घर परिवार के अग्रजों बड़ों के प्रति आंख बंद करके उन्हें नमन करें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्यां च भवं तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव। चरणजू वेदिका का जीवन प्रगतिशीलो प्रगतिशीलो प्रगतिशीलो। अब तीन बार बोलना है धर्मशीलो। दाहिना हाथ ऊपर करके बोलो, बच्चे भी बोलेंगे। चरणजू वेदिका का जीवन प्रगतिशीलो। अब तीन बार बोलना है यशस्वी हो। चरणजू वेदिका का जीवन यशस्वी हो यशस्वी हो।